गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी विषय में आज जो हम लेसन समझने वाले हैं वह लेसन गद्य विभाग से लिया गया है और लेसन का नाम है क्या निराश हुआ जाए। यह लेसन के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म सन 1907, निधन सन 1979। प्रकार है निबंध। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निदेशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, उत्तज, कल्पलता आगे निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामर दास का पौधा, उपन्यास का कभी उपन्यास तथा कभी सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सर्जन, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम यह लेसन का रीड करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार बने रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहवर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सुखी गए? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहे। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निधि और बोले बोले श्रमजीवी पीस रहे हैं और जुट तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल वीरों और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही मिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक नीति निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं,
पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं हो। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी है, होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोग मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु दुख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोग मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया और संयम को दकियानुषी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को इतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट लिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया।
थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस मैं कुछ खराब थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 दिन पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारे हैं। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकू की यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिर गिराने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया, इस पर बैठे, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्री में फिर जान रहे, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहो कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहो कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी है रहो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति गुजरी है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम यह लेसन के शब्दार्थ समझते हैं। तस्करी, चोरी, मनीषी, पंडित, माहौल, परिस्थिति,
निरीह तो निराधार, फरे तो धोखा, पीर तो कायर, आलोने तो मथना या फिर लोना, निकृष्ट तो अधम, गुमराह तो भुला हुआ, पैमाना तो माप, दकी यानुसी पुराने ख्याल वाला, त्रुटि तो कमी, कातर तो लाचार। स्टूडेंट्स, अब हम मुहावरे समझते हैं। मन बैठ जाना, उदास होना या फिर मन मारना, फलना फूलना तो समृद्ध होना, पर्दाफाश करना तो मीनिंग है वेद खोलना, ज्योति बुझना तो मरना, कातर ढंग से देखना भयभीत होकर देखना। स्टूडेंट्स, अब हम स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार बने रहते हैं? यह प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 7 में फर्स्ट पैसेज की फर्स्ट लाइन में दिया है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? तो यह प्रश्न का आंसर पेज नंबर 7 में लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को महत्व नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है? यह विचार की जगह आपको विकार समझना है, विकार लेना है। तो क्वेश्चन क्या होगा कि मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो इसका उत्तर भी आपको पेज नंबर 7 में लास्ट पैसेज में मिल जाएगा। सेकंड लाइन देखिए, मनुष्य के मन में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, भारतवर्ष किसको दल रूप में देखता आ रहा है? तो यह प्रश्न जो है उसका आंसर लेने के लिए आपको पेज नंबर 8 पे देखना है। इन थर्ड क्वेश्चन, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो बस कंडक्टर खाली बस, दूध और पानी लेकर लौटा था। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, जिसमें हमें दो दो वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, आप साथ में लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? तो उसका आंसर है, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके कमाने वाले पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। सेकंड क्वेश्चन, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? तो आंसर है, लेखक कहते हैं कि आजकल झूठ और फरेब का बाजार गर्म है, ऊपर से दिखने वाली मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। थर्ड क्वेश्चन, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? आंसर, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं, इनसे कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य में स्थिति को उन्नत बनाया जाए। आगे फोर्थ क्वेश्चन, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? तो कविवर ने याचना की है कि संसार में नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो, ऐसे अवसरों पर है प्रभु मुझे ऐसी स्थिति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन का आंसर 5 सेंटेंस में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है?
उसका आंसर है, मैं बोलता हूँ आपको साथ में लिखना है, हमारे देश के समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार ही नहीं है। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? इसका आंसर लिखते हैं, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यही रह गई। भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारत की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियां घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देसी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? उसका आंसर लिखते हैं, समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य चोरी और झूठ को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं, इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न नंबर फोर, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? इसका आंसर दोबारा, लेखक परिवार के साथ बस यात्रा कर रहे थे, तब सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि बस आगे नहीं जा सकती, वह एक साइकिल लेकर चला गया। यात्री ड्राइवर को मारने लगे। उसी समय कंडक्टर एक खाली बस बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आ पहुंचा। इस तरह कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी दिखाई। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर में मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ हमने मीनिंग दिए है, सेंटेंस आपको बनाना है। मन बैठ जाना तो उदास होना, इसका सेंटेंस बना के नोटबुक में लिखना है। फलना सुनना तो समृद्ध होना, पर्दाफाश करना तो भेद खोलना, कातर ढंग से दिखना तो भयभीत होकर देखना, इसके सेंटेंसेस आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, अब हम शब्द समूह के लिए एक शब्द समझते हैं, धर्म से डरने वाले, तो इसका आंसर है धर्म भीम। क्वेश्चन टू, मिलन की भूमि, तो है मिलन भूमि इसका आंसर। सुख देने वाला तो सुखदाता। आगे क्वेश्चन नंबर फाइव, विशेषण बनाइए, तो विशेषण में है पहले भारत तो भारतीय, समाज तो सामाजिक, क्रोध तो क्रोधी, समय तो सामयिक, धर्म तो धार्मिक। आगे बहुवचक संज्ञा बनाइए, डाकू डाकू के लिए क्या आएगा, तो डकैती, आदमी तो आदमी, बहुत तो बहुतायत, सभ्य तो सभ्यता, मानव तो मानवता। आगे क्वेश्चन नंबर सेवन, विरोधी शब्द बनाइए, ईमानदार ईमानदार तो ऑपोजिट वर्ड बेईमान, भ्रष्टाचार तो सदाचार, आंतरिक तो बाह्य और सबल तो निर्बल। यहाँ हमारा स्वाध्याय पूर्ण हो रहा है, आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है।